अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं कि आज मार्केट ने 212 पॉइंट्स गेन किए हैं, लेकिन अब जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, आज सुबह जब मार्केट का आगाज़ हुआ है तो आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी हद तक जो है अप ट्रेंड में गई है, और दिन 1 बजे तक आपकी मार्केट जो है वो 1:15 तक तकरीबन अप ट्रेंड में ही चलती रही है। उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है जो करते करते आखिर दम तक ही आपका सिर्फ 212 पॉइंट्स रह गए हैं। अब हम इसको चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आया चार्ट की मदद से हमें क्या लगता है कि मार्केट कल अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आज की कैंडल बनी है वो बिल्कुल हल्की सी है, क्योंकि अभी हमने एक दिन का चार्ट सेलेक्ट किया है तो उसमें बिल्कुल वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुआ है, क्योंकि आपकी जो अप ट्रेंड था वो बहुत कम हो गया था। तो इससे अभी हमें समझ नहीं चल रही कि कल मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। तो इसको हम 1 घंटे की कैंडल पे चेक करते हैं कि 1 घंटे की कैंडल पे क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सुबह जब मार्केट का आगाज़ हुआ है तो 9 बजे वाली कैंडल आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ग्रीन जो है कैंडल बनी है। उसके बाद जो है फिर अप ट्रेंड वाली, फिर छोटा सा थोड़ा सा जो है डाउन ट्रेंड हुआ है, और फिर जो है ना मार्केट ने खुद को संभालने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद जो है ना 1 बजे के बाद हम देखते हैं वापस डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, और हालांकि ये आपका अप ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर बन गया था इसलिए डाउन ट्रेंड हमें इतना ज़ाहिर नहीं हुआ। लेकिन जब हम MACD के ज़रिए देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और डाउन ट्रेंड जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो हमारी ऊपर थी वो नीचे आ गई है, और ऑरेंज लाइन ने इसको क्रॉस करके ऊपर कर लिया है, जिससे हमें यही लग रहा है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर हम 1 घंटे वाली कैंडल देखते हैं तो उससे हमें साफ साफ यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो कल दोबारा डाउन ट्रेंड में जा सकती है। और इसको भी हम मज़ीद अगर डिटेल के साथ देखना चाहें तो 30 मिनट्स की कैंडल पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको 30 मिनट्स की कैंडल पे कन्वर्ट किया। आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी सुबह की पहली ग्रीन कैंडल है जब मार्केट का आगाज़ हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो वक्फा आया था, ठीक है, 11 बजे के करीब करीब, उसके बाद फिर मार्केट ने ख़ुद को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन 1 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पॉइंट लूज़ करना शुरू कर दिए थे। और अभी हम MACD के ज़रिए भी देखते हैं तो हमें यही लग रहा है कि अभी जो है ना डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। हालांकि आज हमारी मार्केट जो है वो 212 पॉइंट पे जो है ना वो बंद हुई है, ठीक है, उसने गेन किए हैं। लेकिन फिर भी जो कल की सिचुएशन नज़र आ रही है उससे यही लग रहा है कि मार्केट कल दोबारा जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आपने सोच समझ के जो है ना ट्रेडिंग करनी है, ये ना हो कि आप जो है ना अभी आज जो स्टॉक आपके अप ट्रेंड में जा रहे हैं कल वो डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दें। ठीक है, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।